अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 है आपका समांतर श्रेणी। कौन सा है? समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद में वो समांतर श्रेणी होती क्या है? किसी भी श्रेणी में अगर प्रथम पद के बाद में द्वितीय पद में एक निश्चित संख्या में क्या हुआ, मान जुड़ता चला जा रहा है, तो क्या प्राप्त होती है? समांतर श्रेणी। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी है। हम देख रहे हैं प्रथम पद क्या अपना 2, इसके बाद में सर 2 जुड़े हैं जब भी तो 4 हो रहे हैं, फिर 2 जुड़ दिए 6, फिर 2 जुड़ दिए 8, ये क्या है? समांतर श्रेणी। इस श्रेणी का जो पहला पद होता है वो क्या कहलाता है? प्रथम पद। प्रथम पद कितना उसका 2। उसके बाद में जो इन दोनों का प्रथम पद एंड द्वितीय पद का जो अंतर होता है यानी कि डिफरेंस होता है वो क्या होता है? हमारा सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। और सार्व अंतर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? डी से। और सार्व अंतर होता क्या है? सेकंड पद यानी ए टू माइनस ए वन, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो सार्व अंतर निकल जाता है। जैसे कि अगर मैं 4 में से 2 हटाता हूं तो कितना आता है? 2। तो इनके जो सार्व अंतर है वो कितना है? 2। हम जानते हैं कि इसका जो अंतर है वो कितना है? 2 ही है। जैसे कि कोई और समांतर श्रेणी लेते हैं जैसे कि 3, 7, 11, 15, 19। देखो श्रेणी में हम देखते हैं प्रथम पद क्या है अपना ए, कितना रखा है? 3। उसके बाद में सार्व अंतर, सार्व अंतर किसके प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी आर डी से। और क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। यहां पर अपना द्वितीय पद कितना है? 7 माइनस प्रथम पद कितना है? 3। और 7 में 3 है तो कितना? 4। इसका मतलब इस श्रेणी का जो सार्व अंतर है अंतर वो कितना है? 4 है। और हम देख रहे हैं कि 3 के बाद सबका पता है 4 जोड़ने के बाद फिर 4 दो 11, फिर 4 दो 15 और 15 में 4 दो 19। तो ये क्या होता है अपना? बस इसमें जो पहला पद होता है वो प्रथम पद, इसे द्वितीय, इसको तृतीय, चतुर्थ, 5, ऐसे ही पहले पद को प्रथम पद। सार्व अंतर निकालते हैं तो कैसा होता है? सेकंड पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो क्या आता है अपना? सार्व अंतर। अब चलते हैं उस क्वेश्चन पर। 5.1 में ओनली बस यही है कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद बताइए, सार्व अंतर बताइए, समांतर श्रेणी निकालिए, अगले 4 पद निकालिए। तो देखो 5.1 को देखते हैं। के लिए प्रथम पद एक तो प्रथम पद क्या होता है? स्मॉल ए तथा सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या होता है? स्मॉल डी। ये ज्ञात करना है आपको, ज्ञात कीजिए। देखो यार पहले का पहला क्वेश्चन है आपका 6, 9, 12, 15। अब बताओ इस श्रेणी में क्या क्या करना है? प्रथम पद मैंने बताया था जो पहला पहली संख्या लिखी हुई क्या कहलाती है हमारी? प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है अपना? ए बराबर कितना रखा है? 6। दूसरी चीज क्या पूछी है? सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब डिफरेंस। डिफरेंस मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, सेकेंड पद में से फर्स्ट पद घटा दो ए टू माइनस ए वन, द्वितीय पद आपका 9 है,
प्रथम पद आपका 6 है, 9 में से 6 कितने बचते हैं 3, तो यानी सात होता कितना है 3। इसके बाद में ऐसे सभी क्वेश्चनों को तुम कर सकते हो सभी, बस प्रथम पद लगाना है, जो पहली संख्या वो प्रथम पद है, सार्वत्र कैसे निकालते हैं कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दो सार्वत्र निकल क्या जाएगा। देखो यार ऐसे ही एक दो क्वेश्चन है और बता देता हूं, एक क्वेश्चन नंबर आप लोगों को तीसरा, दूसरा तुम करना तीसरा, देखो 3/2 -1/2 -3/2। देखो इधर यहां पर पैटर्न पर हम जान रहे क्या है, पैटर्न पर यानी ए कितना दे रखा है 3/2। अब सार्वत्र निकालते हैं, सार्वत्र स्मॉल डी क्या होता है a2 - a1, द्वितीय पद अपना 1/2 है और प्रथम पद अपना 3/2 घटाओ, देखो ऐसे लोगों कितना 2, 2 का तुम लोग एक बार एक बड़ा एक करोगे a माइनस 2 का तुम लोगे एक बार और एक बड़ा 3 करोगे 3, 1 प्लस का माइनस के 3 किससे बचेंगे माइनस के 2/2, 2 से 2 काटोगे तो कितना आएगा माइनस का 1। इसका मतलब जो सार्वत्र है वो कितना है माइनस का 1, ये हो गया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, अब क्वेश्चन नंबर पहले के फर्स्ट और थर्ड में बता दिया है, सबको ऐसे ही करना है, ये बाकी सब शेष क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, इन क्वेश्चनों में किसी को कोई दिक्कत तो आई नहीं, तो इन प्रथम पद और सार्वत्र इनको निकालना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पद ए तथा सार्वत्र डी निम्नानुसार दिया हुआ है, सार्वत्र डी दिए हुए हैं तो क्या करें, उस श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए, उस श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए। देखो यार अब क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम पद और सार्वत्र दे रखा है, प्रथम पद पहले का पहला है a बराबर के -1 और सार्वत्र कितना दे रखा है d 1/2। अब हमें क्या लगाना है, इस श्रेणी के चार पद लिखने हैं। देखो इधर प्रथम पद a दिया हुआ है -1, द्वितीय पद निकालोगे द्वितीय पद a2, कैसे निकालोगे। देखो इधर प्रथम पद में सार्वत्र जोड़ देगा क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में अगला पद कब आता है, उसका जो सार्वत्र था उसको जोड़ते चला जाता है, तो प्रथम पद में सार्वत्र जोड़ दो तो द्वितीय पद निकल के जाएगा, सार्वत्र कितना है डी, क्या होता है डी, तो यानी कि ए1 कितना था प्रथम पद -1 प्लस सार्वत्र कितना है 1/2।
दो, इसको हल करो, एलसीएम लोगे दो आएगा, एक का भागो मतलब दो इनटू माइनस वन करोगे माइनस दो प्लस वन, माइनस के दो प्लस का वन, माइनस का वन बटे टू, यानी कि सेकंड पद होगा वो क्या आएगा माइनस का एक बटे दो। तृतीय पद देखो, तृतीय पद क्या होगा ए थ्री, ए थ्री कैसे ए टू प्लस डी। अब दूसरे पद में फैक्टर जोड़ दो, नेक्स्ट पद में डी के साथ अंतर जोड़ के लाओ, दूसरे पद में तीसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में फिर साथ अंतर जोड़ दो। दूसरा पद क्या है माइनस एक बटे दो प्लस डी, और डी कितना आता है साथ अंतर एक बटे दो, ऐसे हम लोग दो आ जाएगा, दो का भाग दो में लोगे एक, एक गुणा करोगे वन प्लस वन, ये कट जाएगा प्लस माइनस कितना जाएगा जीरो, यानी कि तृतीय पद क्या जाएगा जीरो। उसके बाद में चतुर्थ पद देख के क्या हुआ ए फोर और क्या हुआ ए थ्री प्लस डी। अब तृतीय पद में साथ अंतर जोड़ दो, ए थ्री जीरो था, डी साथ अंतर एक बटे दो, जोड़ोगे तो कितना एक बटे दो, जीरो में अगर एक बटे दो जोड़ते तो क्या आता है एक बटे दो, चतुर्थ पद कितना हो गया एक बटे दो। इसके बाद में पांचवा पद ए फाइव क्या होता है ए फाइव, देखो सर इसलिए आता हो सके प्रथम चार पद लिखने हैं, तो पहला पद दे रखा था चार पद निकालते हैं, एक पद निकाल दो यानी ए फोर प्लस डी, ए फोर आया था अपना यानी चौथा पद ए बटे दो, सार्वंता भी एक बटे दो, और एक बटे दो एक बटे जोड़ते हैं एलसीएम दो, वन प्लस वन दो बटे दो कितना आएगा ए, यानी कि जो पांचवा पद है वो कितना ए। तो श्रेणी क्या बनी समांतर श्रेणी क्या बन गई अपनी माइनस वन, दूसरा पद आया था माइनस एक बटे दो, तीसरा पद आया था जीरो, चौथा पद आया था एक बटे दो, पांचवा ए, इस टाइप में एक समांतर श्रेणी बन जाएगी अपनी माइनस वन माइनस एक बटे दो जीरो एक बटे दो कॉमा एक, ऐसे ही समांतर में प्रथम पद सभी क्वेश्चन में दिया है सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर में दिया हुआ है प्रथम चार पद निकालने हैं तो क्या करना है प्रथम पद दिया हुआ है प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ दो डी, सेकंड पद आ जाएगा सेकंड पद में फिर सार्वंतर जोड़ दो, तृतीय पद आ जाएगा तृतीय पद में फिर सार्वंतर जोड़ दो, चतुर्थ पद आ जाएगा और चतुर्थ पद में फिर सार्वंतर जोड़ दो, पांचवा पद आ जाएगा। उसके बाद में इस तरह आपकी समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही कोई कल क्वेश्चन और बताता हूं वैसे कि देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, दूसरा आप कर लेना, तीसरा आप कर सकते हो, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, दूसरे का थर्ड है ए बराबर के आपको दिया हुआ है 0.6 और सार्वंतर दिया हुआ है डी 1.8। अब प्रथम पद तो दिया हुआ है आपके लिए कितना है 0.6 प्रथम पद ए कितना दे रखा है 0.6। उसके बाद दूसरे पद निकालना है हमको ए टू, कैसे निकालते हैं बताया था प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ दो, प्रथम पद था आपका 0.6 सार्वंतर 1.1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा निकालो 0.6 तो 0.11 जोड़ोगे 8.7। उसके बाद में इसका तृतीय पद ए थ्री यानी कि ए थ्री कैसे आएगा ए टू प्लस डी। अब द्वितीय पद में फिर सार्वंतर जोड़ दो 1.7 प्लस 1.1 जोड़ोगे कितना आएगा
2.8। उसके बाद चतुर्थवर्ग सम निकालो A4। A4 कैसे निकालोगे, तृतीय पद में फिर तार बंदा जोड़ दो, तृतीय पद क्या आएगा 2.8 प्लस 1.1 जोड़ोगे कितना आएगा 3.9। उसके बाद में फिर पांचवा पद निकालोगे A5, क्या निकालोगे A4 प्लस D, A4 आपका आया था 3.9 और प्लस 1.1 जोड़ोगे कितना आएगा 5.0, कितना आएगा 5। ये समांतर श्रेणी क्या बन गया भाई आपकी, समांतर श्रेणी बनेगी आपकी, प्रथम पद था 0.6 कॉमा, दूसरा पता क्या था 8.7 कॉमा, तीसरा पद है 2.8 कॉमा, चौथा पद है 3.9, पांचवा पद है आपका 5 कॉमा। इस तरह हमारी समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही सभी क्वेश्चन है, अब सभी क्वेश्चनों को आपको करना है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखो यार क्वेश्चन नंबर 3, बाकी सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत होगी। एक क्वेश्चन और है 6, उसको भी देख लेते हैं, वो माइनस वाला है दूसरे का 6। दूसरे का 6 वो है आपका ए बराबर कितना था उसमें -1.25 और सावंतर डी रखा है आपका -0.25। देखो इधर प्रथम पद तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, प्रथम पद ए क्या है आपका -1.25, द्वितीय पद निकालोगे, द्वितीय पद यानी कि A2 कैसे निकालते हैं, प्रथम पद में क्या जोड़ते हैं हम सावंतर द्वितीय पद निकालने के लिए, प्रथम पद कैसे रखा है आपका -1.25 प्लस सावंतर जोड़ो, क्या है सावंतर माइनस का 0.25, देखो इधर माइनस माइनस है दोनों जोड़ जाएंगे, माइनस रहेगा चिन्ह, 5 और 5 10, 2 और 4 5.1 कितना जाएगा माइनस के 1.50। उसके बाद में नेक्स्ट तृतीय पद A3 A2 प्लस डी, A2 क्या आया था आपका माइनस के 1.50 प्लस सावधान कितना है माइनस के 0.25, फिर माइनस हो जाएगा, फिर जोड़ोगे तो कितना माइनस के 1.75 कितना जाएगा 5.1.75। नेक्स्ट निकालोगे आप चतुर्थ पद A4 क्या निकल जाएगा A3 प्लस डी, A3 का मान कितना है आपका तृतीय पद का -1.75 प्लस सावंतर डी कितना था आपका -0.25, फिर जोड़ोगे कितना माइनस के 0.2 यानी कितना जाएगा 2, जोड़ने पर कितना जाएगा 2। उसके बाद में पांचवा पद A5 क्या हुआ A4 प्लस डी, A4 का मान -2, डी का मान -0.25 जोड़ोगे तो -2.25। ये आपकी समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई, क्या प्राप्त हुई थी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी प्रथम पद आपका -1.25
तृतीय पद है आपका -1.50, तृतीय पद है -1.75, उसके बाद है आपका -2, उसके बाद है -2.25, डेट डेट इस स्टेप में आपकी समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो दल, अब क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 के संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच करनी है। पहले तो यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, उसको ये देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वत्र ज्ञात कीजिए और अगले 4 पद भी निकालिए। देखो दर पहला क्वेश्चन, देखो दर मैं क्वेश्चन ले देता हूं। देखो समांतर श्रेणी की जांच करनी है तो क्या क्या करना है, समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, उसके बाद है यदि सबको इनमें से कोई समांतर श्रेणी है, यदि समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद भी ज्ञात, अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। देखो इधर तीसरा फर्स्ट है आपका, जैसे कि एक श्रेणी दे रखी है आपको 2.5+2.3.5/7/2। वैसे ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो हम अगले पद 4 निकाल ही नहीं सकते, अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद भी हमें क्या करने निकालने हैं। देखो सर इसमें सबसे पहले यही चेक करते हैं के सार्वत्र सबका सेम है नहीं। देखो सार्वत्र समांतर श्रेणी की जांच कैसे की जाती है, अगर प्रत्येक का सार्वत्र समान है यानी कि डिफरेंस सबका समान है तो हम कह देंगे समांतर श्रेणी है, अगर डिफरेंस सबका अलग अलग है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो डिफरेंस देखते हैं, सबसे पहले प्रथम पद देखो आपको दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है तो प्रथम पद ए कितना दे रखा है 2, उसके बाद में द्वितीय पद भी दिया हुआ है, हम जगह से सार्वत्र देखते हैं, क्या देखते हैं सार्वत्र यानी कि डी। क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यही होता है। द्वितीय पद क्या है आपका 5/2 माइनस प्रथम पद कितना है 2, मान निकालो कितना आएगा 2, कॉमन लोगे तो 2 का बाद 2 में दोगे 1 बार, 1/5 करोगे 5 माइनस 1 का बाद 2 में दोगे 2 बार जाता है और 2/2 करोगे 4 यानी कि 5 में से 4 गए 1/2 यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 1/2 है। अब नेक्स्ट संख्या का पीछे देखते हैं, एक सार्वत्र और चेक करते हैं, सार्वत्र डी। अब तृतीय पद और द्वितीय पद के मध्य, पहले तो द्वितीय प्रथम के, अब तृतीय और द्वितीय के मध्य, तृतीय पद आपका 3, द्वितीय पद आपका 5/2 कॉमन लोगे कितना रहा है 2, 1 का कॉमन लोगे 2/3 करोगे 6 माइनस 2 का कॉमन लोगे 2 बार सॉरी 1 बार 1/5 करोगे 5, 6 माइनस 5 करोगे 1/2।
यानी कि दोनों का जो साधारण अंतर है वो क्या है, समान है। बस और दो बार चेक कर लो, एक इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, एक इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो। अगर समान आते हैं तो ये समांतर श्रेणी है, और नहीं आते हैं तो समांतर श्रेणी नहीं है। अतः ये दोनों कैसे है, ये कैसी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि साधारण का दोनों क्या रहा है, समान। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि समांतर श्रेणी है। d बराबर कितना रहा है, समांतर 1/2। इसके बाद देखो, अब हमें अगले चार पद निकालने हैं। अगर समान श्रेणी होती है तो चार पद निकालो। देखो निकालो, कौन सा पद रहता है, चार पद दे रखे हैं, हमें नेक्स्ट चार निकालने आगे के, तो यानी कि पांचवा पद। पहले तो पांचवा पद क्या होता है, एक फाइव होता है। पांचवा पद क्या होता है अपना, ए फाइव, और क्या होता है, ए फोर प्लस डी, यानी कि चौथा प्लस प्लस डी समांतर। चौथा पद क्या है अपना, इसमें दे रखा है 7/2, और समांतर सबका समांतर कितना रहा था, 1/2, 1/2, 2 7+1 यानी 8/2, और 8/2 कितना, 4, यानी कि जो नेक्स्ट पद है वो कितना आएगा, 4। पांचवा छठवा पद देखो, ए सिक्स कितना होगा, ए फाइव प्लस डी, ए फाइव का मान 4 था, डी का मान देखो समांतर 1/2 था, 4+1/2 एलसीएम लोगे 2 आएगा, 1 का वर्गमूल लोगे 2 बार, 2 × 4 का होगे 8 प्लस 1 9/2, ये आ गया। उसके बाद में सातवां पद यानी ए सेवन निकालोगे, ए सेवन कैसे निकालोगे, ए सिक्स प्लस डी, सातवां पद क्या होता है, सातवां पद ए सिक्स का मान 9/2 और समांतर का मान 1/2, ऐसे हम लोगे 2 9+1 हो जाएगा यानी कि 10/2, और 2 से 10 को काटोगे कितना, 5, यानी कि आपका सातवां पद कितना जाएगा, 5। उसके बाद एक लास्ट पद निकालते हैं, कौन सा, आठवां पद, और आठवां पद क्या होगा, ए 8, और ए 8 को कैसे निकालोगे, देखो इधर एक आठवां पद रह गया आपका, यानी ए 8, ए 7 प्लस डी, यानी ए 7 का 5 प्लस 1/2, ऐसे लोगे 2 10/10+1 यानी कि 11/2, यानी क्या आ गए आपके अगले चार पद, कौन कौन से होंगे, 4 लिख देना अगले चार पद कौन कौन से आपके, 4, 9/2, 5, 11/2, इस टाइप में आपके अगले चार पद आ गए। अब ऐसे ही सभी क्वेश्चन है, बस इसे चेक करना है कि समांतर है या नहीं। इसका सबसे पहले तो ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी है तो अगले चार पद निकाल देना, समांतर श्रेणी नहीं है तो वहीं पे स्टॉप कर देना। ऐसे ही और होता कौन सा क्वेश्चन, देखो इधर ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका तीसरे का, इसके बाद देखिए आप तीसरे का दूसरा आप कर लोगे, तीसरा लेते हैं, तीसरे का तीसरा, देखो इधर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है आपको, समांतर श्रेणी दस की श्रेणी तरह की है, ए ए स्क्वायर ए क्यूब और ए फोर, ए ए स्क्वायर ए थ्री ए फोर
डेड डेड देखो सर पहले चेक करना है ये समन सेट है या नहीं फिर तब देखो सार अंदर निकालोगे a2 माइनस a1 a2 क्या रखा अपना a स्क्वायर a1 है अपना a चेक करना इसको दोनों कॉमन दिख रहा है a इसमें से एक कॉमन है वो एक a बचेगा इसका 1 a आ गया माइनस का 1 बचेगा इसका समांतर तो ये आ रहा है अब नेक्स्ट का लोग समांतर चेक करते हैं दूसरा समांतर देखो क्या a3 माइनस a2 तीसरे पद का और दूसरे पद का समांतर चेक करते हैं तीसरा पद क्या है आपका a क्यूब माइनस दूसरा पद है a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है आपको a स्क्वायर दोनों में इसका तो a बचेगा इसका माइनस वन क्या ये दोनों समांतर समान है क्या एक d1 और d2 यानी पैटर्न समांतर और तृतीय समांतर दोनों समान है इसमें तो a कोष्टक a माइनस वन आ रहा है इसमें a स्क्वायर कोष्टक a माइनस वन समान नहीं है दोनों समांतर क्या है अलग अलग अतः यह श्रेणी यह श्रेणी समांतर श्रेणी श्रेणी नहीं है क्योंकि समांतर क्या आ रहा है डिफरेंस यानी कि कौन कौन सा आए थे a माइनस बी आ रहा है ये बराबर नहीं है किसके a स्क्वायर a माइनस बी के क्योंकि समांतर दोनों क्या आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पे लिखोगे इसको ना लिखो तो समांतर d1 इज नॉट इक्वल टू d2 दोनों समांतर क्या है असमान ये क्वेश्चन हो गया आपका इसके बाद है आपका तीसरा हो गया इसके बाद इसी का चौथा क्वेश्चन देखो तीसरे का चौथा क्वेश्चन है आपका देखो समांतर श्रेणी अगर श्रेणी दोनों के समांतर समान आते हैं तो समांतर श्रेणी है और समान नहीं आते हैं तो समांतर श्रेणी नहीं है और समान आ जाते हैं तो अपने चार पद निकाल देंगे अगर नहीं आते तो कहां से चार पद निकाल दोगे फोर्थ क्वेश्चन है आपका अंडर रूट थ्री अंडर रूट सिक्स अंडर रूट नाइन अंडर रूट बारह देखो इधर सबसे पहले चेक करते हैं समांतर डी फाइव यानी कि द्वितीय पद का और पहले पद का समांतर चेक करते हैं द्वितीय पद है आपका रूट सिक्स और प्रथम पद है आपका रूट थ्री देखो इधर इसको मैं इस टाइप में लिख सकता हूं अभी रूट सिक्स को लिख सकता हूं रूट टू इंटू थ्री माइनस रूट थ्री मतलब वही होता है दोगुना तीन कट जाए छह होता है अब दोनों में कॉमन दिख रहा है हमको रूट थ्री इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको रूट थ्री कॉमन लेने के बाद इसमें तो रूट टू बचेगा इसका माइनस वन क्या बचा इसका रूट टू इसका माइनस वन इसका समांतर तो आ गया अब नेक्स्ट कॉमन का चेक करते हैं दूसरा समांतर कैसे निकालेगा ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री कितना है आपका तृतीय पद अंडर रूट नाइन द्वितीय पद है आपका अंडर रूट सिक्स इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट तीन गुणा तीन माइनस सिक्स को लिख सकते हैं दो गुणा तीन लिख सकते हैं इसके बाद देखो कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है अंडर रूट थ्री दोनों में कॉमन क्या है अंडर रूट थ्री इसका तो अंडर तीन बन जाएगा इसका माइनस के अंडर रूट टू क्या दोनों समांतर समान है दोनों का जो डिफरेंस है वो एक समान है नहीं है तो ये समान श्रेणी नहीं है अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि d1 इज नॉट इक्वल टू d2 प्रथम समांतर द्वितीय समांतर दोनों क्या है असमान इसके बाद में और देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को
चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं इसके बाद में। इसी का पांचवा है आपका देखो इधर पांचवा क्वेश्चन, तीसरे का पांचवा रूट टू रूट आठ रूट अठारह और रूट बत्तीस डेढ़। देखो पेटल पैदा बच्चे पर पहले फर्स्ट चार अंदर निकालते हैं यानी ए टू माइनस ए वन, द्वितीय पद क्या दे रखा है आपका अंडर रूट आठ माइनस प्रथम पद है आपका दो। देखो इसमें कुछ कॉमन दिया है, इसको हम ले सकते हैं आठ को दो बड़ा चार अंडर रूट टू, देखते हैं दोनों को। अब कॉमन देखो दोनों का, रूट टू दोनों में कॉमन दिख रहा है हमको, इसका रूट फोर बचेगा इसका माइनस वन। देखो इधर अभी रूट टू फोर का मान अंडर रूट फोर का मान कितना था दो माइनस एक यानी कि रूट टू बटे एक यानी क्या रहा है रूट टू। इसका जो सारा अंतर है ए टू माइनस सेवन क्या रहा था अंडर रूट टू। और कैसे आया आपको मैं लिख दिया है देखो सर, इसको मैंने दोगुना चार रूट में लिख दिया है क्योंकि आपको पता है यहाँ रूट टू दे रखा है, दोनों से कॉमन लिख जाएगा, फिर रूट टू कॉमन लिख दिया इसका तो अंडर रूट फोर रह गया इसका माइनस वन। और हम जानते हैं रूट टू तो है ही, अंडर रूट चार का मान कितना था दो माइनस वन, दो में से एक तो एक बचता अंडर रूट दो बड़ा एक करोगे रूट टू। अब देखते हैं सारांतर सेकेंड ए थ्री माइनस ए टू क्या है अपना अंडर रूट आठ माइनस अंडर रूट ए थ्री का पद कितना है अठारह ए टू का पद है आठ। देखो इनका सारांतर इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकता हूं मैं दो बड़ा नौ, इसको लिख सकता हूं मैं दो बड़ा चार क्योंकि दोनों में दो कॉमन हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन देखो क्या दिख रहा है अंडर रूट टू कॉमन दिख रहा है इसका तो अंडर रूट नाइन बचेगा माइनस इसका अंडर रूट फोर। देखो अंडर रूट टू हम जानते हैं अंडर रूट नाइन का मान कितना था थ्री और फोर का मान दो अंडर रूट टू, देखो इधर अंडर रूट टू तीन में दो है एक और अंडर रूट दो बड़ा वन करोगे दो, इसका मतलब पैटर्न सारा अंतर और दूसरे सारा अंतर दोनों ही क्या आ रहे हैं समान आ रहे हैं, तो ये श्रेणी कैसे है तो समान श्रेणी है अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है तथा डी यानी कि सारांतर कितना आ रहा है अंडर रूट टू। सारांतर क्या अगर सारांतर दोनों का समान था अब नेक्स्ट पद निकालने अगले चार पद निकालिए। देखो अगले चार पद अगले चार पद फाइव कौन सा पद निकालना ए फाइव पहले तो पांचवा पद कैसे निकालते हैं ए फोर प्लस डी चौदह पद प्लस सारांतर चौथा पद कौन सा दे रखा है आपको अंडर रूट बत्तीस प्लस सारांतर कितना है आपका दो कितना है दो। देखो इधर इसको कैसे जो अगर सिंपल तो जोड़ नहीं सकते आप जोड़ सकते हो क्या तो इसमें हम देख रहे हैं कैसे आप क्या कर दोगे गुणनखंड कर दो। देखो इधर बत्तीस का गुणनखंड करोगे दो बड़ा सोलह हो जाता है क्योंकि दो हमको देखना है कॉमन आ जाएगा दोनों में से प्लस के अंडर रूट टू बत्तीस गुणनखंड कर दे दो बड़ा सोलह प्लस के अंडर रूट टू फिर देखो इधर दोनों में से कॉमन अंडर रूट टू कॉमन आ रहा है कॉमन आ गया इसका कितना था अंडर रूट सोलह इसका प्लस वन अंडर रूट सोलह का मान
अंडर रूट टू, अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4 प्लस 1 कितना हो गया अंडर रूट 2 कोष्टक में 5, 4 और 1 कितना होता है 5, तो कितना आ रहा 5 अंडर रूट 2। इसको हम देखो इस साइड में लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा इसको 5 को अंडर रूट 25 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं मैंने लिख सकता क्योंकि हम जानते हैं 5 का मान अंडर रूट 5 5 तो होता है बराबर, और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 50 25 तो नहीं कहते होते 50 और दोनों एक साथ में लगा दिया है क्योंकि यहां पर सभी मान किस में रखे अंडर रूट में तो पूरा मान किस में चाहिए हमारा भी अंडर रूट में इसलिए मैंने इसमें अंडर रूट 50 लिख दिया है। कैसे किया है वो आपको देखो पहले a4 32 में पद है सामान्यतः d कितना है अंडर रूट 2 देखो यहां पर दोनों कॉमन है लिख लिए मैंने 32 को क्या 216 के रूप में लिख दिया है प्लस अंडर रूट 2 जहां से दोनों में अंडर रूट 2 कॉमन दिख रहा है यहां अंडर रूट 16 प्लस 1 बच गया अब 16 का वर्ग कितना होता है फार्मूला का लगा लेते हैं 4 प्लस 1 4 और जोड़ोगे 5 यानी कि 5 अंडर रूट 2 हो गया तो अब 5 ले सकते हैं ना गुणा में अंडर रूट 5 क्योंकि बड़ा ही है 5 को इसमें रख दिया अंडर रूट 25 25 होता है और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 25 कितना होता है अंडर रूट 50 और 2 गुणा 25 कितना होता है 50 ये आ गया आपका पांचवा पद। ऐसे ही आपको छठवां पद निकालना है देखो इधर मैं आपका छठवां पद यहां निकाल देता हूं ए सिक्स छठवां पद क्या होता है ए सिक्स और कैसे निकालते हैं ए फाइव प्लस डी ए फाइव पांचवा पद कितना आएगा 50 सर्वांतर आपका चल रहा था अंडर रूट 2 अब देखो इधर दोनों में से हम अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें 2 कॉमन ले लो तो अंडर रूट 25 बचेगा बचेगा नहीं बचेगा तो कैसे मैं ले लेता हूं सही 2 गुणा 25 प्लस अंडर रूट 2 दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है इसका अंडर रूट कॉमन लेने पर क्या बचेगा अंडर रूट 25 प्लस इसका अंडर रूट कॉमन लेने पर 1 बचेगा अंडर रूट 2 25 का वर्ग कितना वर्गमूल कितना आता है 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 में ले सकते हैं अंडर रूट 36 क्योंकि हम जानते हैं 36 का मान तो 6 होता है और यानी 2 गुणा 36 का हो गया अंडर रूट में तो कितना आ जाएगा 72 छठवां पद कितना आएगा 72 अब देखते हैं सातवां पद ए सिक्स प्लस डी ए सिक्स का मान कितना आएगा अंडर रूट 72 प्लस सर्वांतर अंडर रूट 2 फिर 72 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 36 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन देखो अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है क्या बन रहा है अंडर रूट 36 प्लस का 1 अंडर रूट 2 36 का वर्ग कितना होता है 6 का वर्गमूल प्लस 1 अंडर रूट 2 गुणा 7 और 7 को हम लिख सकते हैं कितना 49 और 49 2 गुणा करते हैं तो कितना आता है 98 ये हो गया अब लास्ट पद आपका आठवां a 7 प्लस d कैसे निकालोगे ये देखो इधर सातवां पद रखा है आपका अक्षर में प्लस अंडर रूट 2 सारा अंतर 98 के गुण में करोगे 2 गुणा 49 होते हैं कितना होते 49 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा 49 बचेगा प्लस का 1 अंडर रूट 2 49 का वर्गमूल 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 गुणा 8 और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा 8 कितने का होता है 64 का 2 गुणा 64 करते हैं अंडर रूट कितना होता है 128 ये आ गया तो इसका मतलब आपको ये चार पदों की समांतर श्रेणी बनी वो क्या बनेगी देखो मैं यहां लिख देता हूं यहां से बाद में अगले चार पद आपके देखो इधर इसमें लिख रहा हूं पहला था अंडर रूट 5 50 कॉमा 72
कॉमा 98 कॉमा 128 जी आपकी क्या बन जाएंगे अगले चार पदों की समांतर श्रेणी। अब ऐसे ही बाकी सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं इसको आप नहीं कर सकते, सभी जो क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में पांचवा छठवा जी आप कर सकते हो, सातवा जी है, आठवा देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ, तीसरे का आठवा। आठवां क्वेश्चन आप तीसरे का, थ्री कॉमा थ्री प्लस टू कॉमा थ्री प्लस अंडर रूट टू कॉमा थ्री प्लस थ्री अंडर रूट टू, ये आपको समझ में आ रही है? सॉरी श्रेणी हमने चेक करना है कि समांतर श्रेणी है नहीं। सर्वांतर फर्स्ट निकालते हैं ए टू माइनस ए वन, द्वितीय पद दे रखा है आपका माइनस, प्रथम पद है आपका तीन, देखो तीन प्लस का माइनस कर जाएगा कितना बचेगा अंडर रूट दो। दूसरा सर्वांतर निकालते हैं ए थ्री माइनस ए टू, तृतीय पद कितना है आपका थ्री प्लस टू अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू कितना रखा है देखो इधर थ्री प्लस, द्वितीय पद है आपका अंडर रूट टू क्वेश्चन थ्री प्लस टू अंडर रूट टू माइनस के थ्री और माइनस के रूट टू, देखो इधर ये तो प्लस माइनस कर जाएगा, दो अंडर रूट टू में से एक अंडर रूट टू चला गया कितना बचेगा अंडर रूट टू बचेगा, दोनों के सर्वांतर क्या है समान है, देखो प्लस माइनस तीन तो कट गए, अब दो अंडर रूट टू और एक माइनस का अंडर रूट टू, दो में से एक रूट टू चला गया कितना बचेगा एक रूट टू, इसका मतलब दोनों के सर्वांतर क्या है अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। समान श्रेणी है सर्वांतर कितना आ रहा है अंडर रूट दो। अब अगले क्या पद लिखा लेते हैं हमें चार पद, तो देखो दस चार तो दे रखे, पांचवा पद लिखाना है हमको ए फाइव ए फोर प्लस डी, चौथा पद कितना रखा था आपको थ्री प्लस थ्री रूट टू, सर्वांतर आ रहा है आपका रूट टू, तो क्या आएगा थ्री प्लस देखो तीन तो ही तीन रूट टू और एक रूट टू कितने हो जाते हैं चार रूट टू, देखो तीन तो है अपना अचर संख्या, अब देखो यार तीन रूट टू और एक रूट टू क्या रहेगा चार रूट टू, ऐसे ही आपका छठवां पद ए फाइव प्लस डी, ए फाइव का मान आ रहा थ्री प्लस चार रूट टू और सर्वांतर रूट टू क्या रहेगा थ्री प्लस, अब चार रूट टू और एक रूट टू पांच रूट टू, ऐसे सातवां पद क्या होगा ए सिक्स प्लस डी, ए सिक्स का मान थ्री प्लस फाइव रूट टू और रूट टू कितना जाएगा थ्री प्लस पांच रूट टू और एक रूट टू छह रूट टू, ऐसे आपका आठवां पद क्या जाएगा ए सेवन प्लस डी, ए सेवन का मान थ्री प्लस सिक्स रूट टू और रूट टू कितना हो जाएगा थ्री प्लस सेवन रूट टू, तो ये आपके संबंध श्रेणी बनेगी अगले चार पद की। अगले चार पद क्या होंगे चार प्लस थ्री प्लस फोर अंडर रूट टू, फिर है थ्री प्लस फाइव रूट टू, फिर है थ्री प्लस सिक्स रूट टू और फिर है थ्री प्लस सेवन रूट टू, इस शायद में आपकी अगले चार पद समान श्रेणी बन जाएगी। इसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 5.1 समाप्त होता है, नेक्स्ट हम कल की वीडियो में चैप्टर नंबर 5.2 स्टार्ट करेंगे।